अब हमने जो सेकंड करना है वो है मियोसिस, है ना। हमने क्लास पिछली क्लास में माइटोसिस पढ़ा, अब मियोसिस पढ़ रहे हैं। मियोसिस को आप रिडक्शनल डिवीजन बोलते हो, यानी आपके पास जो कंटेंट है 2n उसको आपने चार हिस्सों में बांटना है, n n n n। अगर इसके पास 2c है तो यू आर गोइंग टू मेक इट c c c। हमें पता है n से हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं, और c से हम नंबर ऑफ डीएनए का कंटेंट देखते हैं, ठीक है। हमें ये भी पता है 1 सेंट्रोमियर इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम। पढ़ाया ना हमने क्लास में कि अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो भी 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, जब तक सेंट्रोमियर एक है, क्रोमैटिड 2 है, 2 क्रोमैटिड्स, यहाँ पे कितना क्रोमैटिड 1। नाउ क्रोमैटिड कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन्स, सो अगर यहाँ पे 1 क्रोमैटिड में 1 डीएनए है तो 2 क्रोमैटिड में 2 डीएनए हो जाएंगे। अगर वन क्रोमैटिड कंटेन्स 23 डीएनए, दिस 1 क्रोमैटिड कंटेन 23 डीएनए, है ना। सो इसके पास भी 23 होगा, तो ये 23 + 23 46 हो गया, तो है ना। तो टू, तो कंटेंट ऑफ डीएनए कितना हो गया 46। कंटेंट डीएनए इज अलग डिफरेंट थिंग एंड योर क्रोमोसोम इज डिफरेंट थिंग। क्रोमोसोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन है, तो डीएनए को हम लेबल करेंगे सी के साथ और क्रोमोसोम को लेबल करेंगे एन के साथ, याद रखना। अब तुम यहाँ से देखो, इसको ये डबल हो गया, यहाँ पे ये 23 हो गया, ये भी 23 होगा, फिर ये भी 23 होगा, टोटल कितना हो गया 92। तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट कितना हो गया 92, यानी 4c। बट मैंने तुम्हें क्लास में भी बताया 1 सेंट्रोमियर इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम कंटेंट अभी भी कितना होगा 2n, याद रखना मेरी बात, ये हमने क्लास में भी पढ़ा है। अब क्या होगा, मुझे यहाँ पे एक सेल से, विच इज योर 2n इज इक्वल टू 46, 2c इज इक्वल टू 46, इससे मुझे 4 बनाने हैं, n c n c n c n c, यानी 23 23। मुझे डीएनए कंटेंट भी 23 करना है, क्रोमोसोम कंटेंट भी क्या करना है 22, ठीक है। सो दिस इज योर मियोसिस। सो मियोसिस में बेसिकली क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो मियोसिस इज वाज रिडक्शनल डिवीजन। इसमें डिप्लॉयड कंटेंट 4 हैप्लॉयड कंटेंट्स में बदलता है, डबल कंटेंट हाफ में बदलता है, ठीक है। और मियोसिस हमेशा सेक्स सेल्स में होगी, ये भी मैंने आपको बताया, मियोसिस किस में होगी, सेक्स सेल्स पे, ठीक है। जैसे एग हो गया, स्पर्म हो गया, सेक्स सेल्स को जर्म सेल भी बोलते हैं, गैमेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। दिस मॉड्यूल यू विल लर्न अबाउट मियोसिस 1। मियोसिस इज अ न्यूक्लियर डिवीजन दैट अकर्स इन द जर्म सेल्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स During the production of reproductive cells called gametes. मैंने क्या बोला, मियोसिस कहाँ होगी, गैमेट्स में। दिस इज स्पर्म, ये होता है, ऐसा होता है स्पर्म, दिस इज स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्म कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम्स, दिस इज ह्यूमन फीमेल एग, इसको एग नहीं बोलेंगे आप, इसको ओवम बोला करो,
इज 23. तो इनकी जर्नी जो है 46 से 23 ये मियोसिस से ही होती है. कैसे होती है यही देखना है इसमें. मायोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ सेल बाय हाफ. चार देखो पहले इन्होंने क्या किया ध्यान से. पहले इन्होंने बेसिकली पहले क्या होता है, पहले ये दो में अलग करते हैं. तो मियोसिस जो होती है ये दो में बटती है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू. मियोसिस वन को बोलते हैं एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन. मियोसिस वन को क्या बोलते हैं कि सही में रिडक्शन तो इसी में हो रही है, क्रोमोसोम की असली रिडक्शन इसी में होती है, एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन. मियोसिस टू इज नॉट रिडक्शनल डिवीजन. जो बट गया उसको बराबर भाग में बांटना, इट इज़ लाइक माइटोसिस. यानी आप इसको कह सकते हो इट इज़ लाइक इक्वेशनल डिवीजन, कि जो बट गया उसको बराबर भाग में बांट दो. असली काम तो मियोसिस वन में हो रहा है. सो मियोसिस वन में क्या हो रहा है, आपका ये सेल है ठीक है, विच इज 2n इज इक्वल टू 46, 2c इज इक्वल टू 46, मतलब डीएनए कंटेंट भी 46 है. और अब ये जाएगा किस में, इंटरफेस इज कंसिस्ट ऑफ G1 प्लस S प्लस G2, सब में जाएगा और कंटेंट जो है वो आपका डबल हो जाएगा. मैं हमेशा बोलती हूँ वन सेंट्रोमियर इज इक्वल टू वन क्रोमैटिड. अब यहाँ पे भी 2n 46 है तो यहाँ पे भी 2n क्या होगा 46, क्योंकि सेंट्रोमियर नहीं डिवाइड हुआ. सेंट्रोमियर जब तक रहेगा, हमारे देश में कितना कल्चर है, हमारे देश में न जाने कितने सारे लोग रहते हैं, जब तक इस बॉर्डर में रह रहे हैं तब तक तो इंडियन है, भारतीय हैं. उसके बाद जहाँ मर्जी जाएँ, जो मर्जी बोलते चाहे, बांग्लादेश जाएँ, अमेरिका सिटीजनशिप ले लें, पर जब तक इस बॉर्डर में रहेंगे, जब तक आधार कार्ड है तो यहीं के हैं, तो उसने हमें बांध के रखा है. तो सेंट्रोमियर पे जितने मर्जी क्रोमैटिड आ जाएँ, वन सेंट्रोमियर है तो एक ही क्रोम, उसको उतना ही माना जाएगा. तो यहाँ पे देखो 2n क्रोमोसोम, तो यहाँ पे भी सेंट्रोमियर अभी अलग नहीं हुआ है, तो 2n इज इक्वल टू 46. बट है ना, अब देश में मेरे पास बड़े सारे लोग रहते हैं, घर में बहुत सारे तरह के मल्टी कल्चरल लोग रह रहे हैं, एक घर है. अब जो मैं घर की शान, आई एम गोइंग टू इन्वेस्टिगेट हाउ मेनी कल्चर्स आर बीइंग स्टेइंग देयर, तो वहाँ मैं देखूंगी कितने सारे हैं, तो उसको गिनेंगे, अच्छा ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है. यू नीड टू अंडरस्टैंड सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम एक है, बट उसके अंदर कितने क्रोमैटिड्स हैं, देखो कितने क्रोमैटिड हैं, इस पे दो, इस पे भी कितने हैं, दो, तो चार क्रोमैटिड्स हो गए. यानी डीएनए कंटेंट तो बढ़ गया, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो गई, तो डीएनए कंटेंट क्या हो गया, 4c इज इक्वल टू 92. गॉट इट. सेंट्रोमियर जब तक एक है, आप उसको, आप इसके साथ एक और क्रोमैटिड लगा दो तो भी 2n रहेगा ठीक है. अब ये जाएगा किस में, मान लो ये क्रोमोसोम है, ये दिस इज योर थिंग, सो 2n इज इक्वल टू 46, 4c इज इक्वल टू 92. ये तो इंटरफेस से आया. नाउ इट विल गो अंडर मियोसिस वन. ये सबसे पहले क्या, ये जैसे ये है ना, तो ये क्या है ना, सो ये ऐसा था अभी आपने जब अब जब आप इसको फिर से देखोगे तो ये ऐसा होगा. सो ये जाएगा मियोसिस वन में, किसमें जाएगा, मियोसिस वन में, विच इज रिडक्शनल डिवीजन. अब ये दो में बांट दिया जाएगा, एक दो, बट गया, अलग करती हूँ तो अलग हो रहा है. तो मियोसिस दो हिस्सों में बांटी जाती है, पहले इस तरह से अलग किया जाता है. तो यहाँ पे देखो ये 2n, मैंने क्या बोला, जब तक सेंट्रोमियर है तब तक हम इसको 2n बोलेंगे, तो दिस इज़ अगेन 2n. अब तक कंटेंट कितना था, 1, 2, 3, 4, 92. अब मैंने दो इसको दे दिए, दो इसको दे दिए, यानी 23, 23, 46. ये 2c हो गया, ये 2c हो गया, 46 हो गया, 46.
अगर आप इन चारों को काउंट करेंगे 23, 23, 46, इन चारों को 23 × 4 काउंट करेंगे तो 92। अब मैंने दो इसको पकड़ा दिए, दो इसको पकड़ा दिए, तो हो गए हाफ। अब इसके बाद इट विल गो अंडर मियोसिस टू। ये किसके अंडर जाएगा? दोनों किसके अंडर जाएंगे? मियोसिस टू। अब फिर से दो में डिवाइड होगा, ये एक दो, एक दो, ये अलग किए जाएंगे जैसे हमने माइटोसिस में अलग किए। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया। अब सेंट्रोमियर से अलग कर लिया, अलग अलग हो गया। अब ये हो गया एन, अब हुआ ये अलग एन, अभी टू एन नहीं, अब ये हो गया एन, अलग अलग हो गया ना एन 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 एन। क्रोमैटिड भी 23 इसके पास चले गए, 23 इसके पास चले गए, सी 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 सी, हो गया। दिस इज हाउ मियोसिस इज बीन, दो हिस्सों में डिवाइड होगी, मियोसिस वन एंड मियोसिस। कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप मैथ लगाते हो तो 46 को चार में डिवाइड करो, नहीं हो सकता, 11 पॉइंट होना चाहिए सबके पास। बट हमें सबको क्या क्या देना है, 23 23, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अगेन डबल करना पड़ेगा, फिर उस डबल को इस तरीके से करना पड़ेगा कि सबको क्या मिले, बराबर मिले। तो देखो ये हुआ ना, meiosis involves a single round of DNA replication followed by two cell divisions, meiosis 1 and meiosis 2. The entire process of meiosis results in the formation of four haploid daughter cells with half the chromosome number as that present in the diploid parent cell. However, after fertilization occurs, the chromosome number gets restored. Meiosis 1 is the reductional division in which the chromosome number gets halved and distributed between two daughter cells. Meiosis 1 includes four stages: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. ये मैंने क्लास में भी कराया। प्रोफेज 1 देखो, माइटोसिस मियोसिस में चार फेसेस तो पक्की होती है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, हमने माइटोसिस में भी पढ़ी। अब यहाँ प्रॉब्लम यह कि दो हिस्सों में बढ़ गई, मियोसिस वन मियोसिस टू, तो वैसे ही नाम देना पड़ेगा। अगर मियोसिस वन में है तो प्रोफेस वन, मेटाफेस वन, एनाफेस वन, टीलोफेस वन। अगर ये मियोसिस टू लिखा होता मैंने, इट वुड बी प्रोफेस टू, मेटाफेस टू, एनाफेस टू, टीलोफेस टू, गॉट इट? तो वही इसने लिखा। मियोसिस वन सबसे लंबी प्रोसेस है, और मियोसिस वन में भी सबसे देखो सबसे ज़्यादा मेन काम मियोसिस वन में हो रहा है, मियोसिस टू में तो जो बना उसको बांट दिया गया। अब सबसे ये लॉन्गेस्ट फेज है, ये कौन सी फेज है? लॉन्गेस्ट, दिस इज योर लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। मियोसिस वन माइटोसिस से बहुत कॉम्प्लेक्स है, और मियोसिस वन जो मियोसिस है उसमें भी दो है, मियोसिस वन मियोसिस टू। मियोसिस वन अपने आप में प्रोफेस लेकर आती है, और प्रोफेस वन सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, इसके अंडर बहुत सारे डिविजन्स आप देखेंगे। लेट्स नो अबाउट द होमोलॉग्स बिफोर स्टडिंग द फेजेस ऑफ प्रोफेस वन। ईच डिप्लॉयड सेल हैज टू कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम, वन इनहेरिटेड फ्रॉम द मेल पेरेंट and the other from the female pair. देखो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास मान लो कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, वो पेयर में होता है। ये जो जोड़ा मेरे पास आया, मुझे जो कुछ मिला मेरे मम्मी पापा से मिला है ना, ये जो जोड़ा मेरे पास आया, मान लो ये जो 23 मम्मा से मिले क्रोमोसोम, 23 पापा से मिले, मान लो मुझे एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 1 पापा से मिला हुआ, ये पापा ने दिया, ये मम्मा ने दिया है ना, ये इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। कि मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 देखो, 23 पापा ने दिए, 23 मम्मा ने दिए, तो क्रोमोसोम 1 to 23 मुझे पापा ने दिए, क्रोमोसोम 1 to 23 मम्मा ने दिए, मिलके 46 हो गए। तो क्रोमोसोम 1 जो मुझे मिला, इसे बोलते हैं होमोलोगस, एक जैसे क्रोमोसोम 1 का जोड़ा होता है, एक माँ से मिलता है, एक फादर से मिलता है, एंड देन वी से दैट इज़ अ होमोलोगस, जो आपस में बिल्कुल सेम सेम होते हैं, वो अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। जब एक स्पर्म और एग मिलता है तो ये स्पर्म है, और ये
एग है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, इसके पास भी 23 होते हैं, ये दोनों करते हैं तभी तो 46 बनता है। अब पापा से क्रोमोसोम 1 आता है, मम्मा से क्रोमोसोम 1 आता है, फिर ऐसे साथ में सट जाते हैं, दे मेक अ ग्रुप, दे मेक अ पेयर, इन्हीं पेयर्स को हम होमोलोगस पेयर्स जो हैं वो बोलते हैं, उसी को बोल रहा है ये। दीस टू कॉपीज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड आर कॉल्ड होमोलॉग्स। नाउ लेट अस, ये नॉर्मली कैसा होता है ऐसा, मान ली निष्प्रिया मैम है, तो निष्प्रिया मैम को ये फादर से मिला है और ये पापा से, मम्मा से मिला। अब ये इंटरफेस में गया होगा, किस में गया होगा, पहले ये किस में गया, इंटरफेस में, इंटरफेस में जाकर ये डबल हुआ होगा, ऐसे डबल होता है ना, है ना, बस यही है वो डबल है, इस तरह से डबल है, इंटरफेस से होकर फिर जाएगा मियोसिस में, ये मियोसिस में है, ठीक है। Look at the different stages of prophase 1 in detail. To begin with, let us learn about left teen. During left teen, अब याद रखेंगे मैंने कैसे याद किया है। Prophase 1 के मैंने क्लास में भी बताया, Prophase 1 के मैंने कैसे याद, लोग जो पीते है दारू है डफर, दोज हु कंज्यूम अल्कोहल आर मोरोन्स, मैंने इसको हिंदी में बना दिया, लोग के एलसी, ये सारे इसके सब स्टेप्स हैं, लोग के एलसी आएगा लेप्टोटीन, क्या आएगा लेप्टोटीन, जेड से आएगा जाइगोटीन, पी से आएगा पैकटीन, एच से हेच से कुछ नहीं है, डी से आएगा डायाकेनेसिस, डी से आएगा डिप्लोटीन और फिर लास्ट में आएगा डायाकेनेसिस। तो अंग्रेजी में बोलते हैं दोज हू कंज्यूम अल्कोहल आर मोरोन्स, मैंने इसको हिंदी में बना दिया, लोग जो पीते हैं दारू है डफर, आपको इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा वरना ये स्टेजेस याद नहीं होंगे। अब जैसे ही मियोसिस वन में जाएगा, प्रोफेस वन में एंटर करेगा, सबसे पहले वो लेप्टोटीन स्टेज में आएगा, फिर वो जाइगोटीन में आएगा, ये स्टेप, दीज जो स्टेप्स हैं प्रोफेस वन के आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद शुरू होगी मेटाफेस 1, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, तभी ये लॉन्गेस्ट, उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बाकियों को नहीं लगता। दिस इज मेटाफेस 1, फिर टेलोफेस 1, सॉरी फिर एनाफेस 1, देन आएगी टेलोफेस, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड बिकम द जाइगोटिन फेज इज फॉर अबाउट जो लेप्टोटीन फेज है उसमें जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होकर ये शक्ल बनाएगा, याद रखना। ड्यूरिंग लेप्टोटीन द क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड बिकम विजिबल द जाइगोटीन फेज, फिर आती है जाइगोटीन फेज। जाइगोटीन फेज में जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल कम टुगेदर, देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो टू बिगिन विद Let us learn about left teen. During left teen, the chromosomes condense form में आएंगे, क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कर देगा, जाइगोटीन में दे विल कम टुगेदर, ठीक है। तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे के पास आएंगे, दे विल कम लाइक जाइगोटीन के एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे। लेप्टोटीन में कंडेंस हुए, जाइगोटीन में पास आए, पैकटीन में पैक होंगे, पैक मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ऐसे। अब क्या होता है, ये वाला जेनेटिक मटेरियल वो इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जेनेटिक मटेरियल इधर आ जाएगा, ठीक है।
सो ये लाल वाला पार्ट उतर के इस पे, ये ब्लू वाला पार्ट उतर के इस पे आ जाएगा, लाल वाला पार्ट इस पे आ जाएगा. सो जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है, तो ये लाल वाला पार्ट उतर के इधर आ जाएगा, लाल हो जाएगा. ये नीला है, ये इधर हो जाएगा. सो पैकेटिन में क्या हो रहा है, पैकेटिन में ये इसके ऊपर जो जीन्स है वो इधर आ जाएंगे. हो सकता है टूट के ये वाला इधर आ जाए, हो सकता है टूट के ये वाला, हो सकता है टूट के ये वाला इधर आ जाए, हो सकता है टूट के ये वाला इधर आ जाए. पैकेटिन स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर होती है. अब इस वर्ड को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है. देखो मान लो ये मुझे, ये रेड वाला मुझे पापा से मिला, ये रेड वाला मम्मा से मिला. पापा मेरे पतले हैं, मम्मा मेरे मोटे हैं, ठीक है. एक क्रोमोसोम मुझे पापा से मिला, एक क्रोमोसोम मुझे मम्मा से मिला. अभी दोनों एक दूसरे के पास आए, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल को डाला, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल को डाला. मेरे पास जो हाइट आएगी वो दोनों का मिक्सचर आएगी इसकी वजह से. सो मियोसिस रिकॉम्बिनेशन बनाती है, जेनेटिक मटेरियल को क्रॉस करती है, खिचड़ी बनाती है, मिक्सचर जो है वो क्रिएट करती है. दैट इज़ वाई मियोसिस जो है वो रिकॉम्बिनेशन लेके आती है. दैट इज़ वाई मियोसिस स्पेसिफिकली उनमें होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे, सेक्सेस माने जेंडर्स इन्वॉल्व होंगे. दो सेक्सेस आएंगे, माँ एक मेल आएगा, एक फीमेल आएगा. उनमें उनके डीएनए में आपस में ऐसे एक्सचेंज होगा, तभी तो मिक्सचर्स आएंगे. जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे जो जिनमें दो सेक्सेस नहीं मिलते, जैसे बैक्टीरिया है या जैसे कोई अमीबा है, तो वो करेगा तो वो सीधा माइटोसिस करके डिवाइड करेगा. उसमें तो ये सब मैंने आपको नहीं पढ़ाया. तो मियोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वराइटीज़ लेकर आती है जो आपकी मियोसिस है. ये देखो इस तरीके से. During Pachyteen, the chromosomal crossing over now takes place between the non-sister chromatids. ये non-sister क्यों है? एक लाल है, एक हरा है. है ये क्रोमोसोम वन का, बट एक लाल है, एक हरा है. एक मदर से आया, एक फादर से आया, तब ये non-sister है. ब्लू ब्लू वाले आपस में बिल्कुल देखने में सेम है, तो ये सिस्टर. क्योंकि देखो ये इसका डुप्लीकेट कॉपी है, तो ये इसकी बहन हुई. ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी, तो इसकी बहन हुई. ये मेरा क्रोमोसोम वन है, ये मुझे पापा से मिला, ये मुझे मम्मा से मिला. अभी इंटरफेस में डुप्लीकेट हुआ, इसने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, तो ये इसकी बिल्कुल डुप्लीकेट, मतलब ये डुप्लीकेट है. ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिड, ये मेरे पापा वाले क्रोमोसोम नंबर का सिस्टर क्रोमैटिड. बट आपस में ये मम्मा का है, ये पापा का है, तो आपस में तो ये क्या है? नॉन सिस्टर. फिर मम्मा और पापा के बीच में आप सेम सेम के बीच में करके ये और ये अपना कंटेंट अगर चेंज भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो मम्मा और पापा के क्रोमोसोम्स में चेंजेस आएंगे तो जो होते हैं क्रिएशंस जो हैं वो क्रिएट होते हैं. इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? रेड और ब्लू को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दिस क्रॉसिंग ओवर इज व्हाट मेक्स ईच इंडिविजुअल यूनिक एंड कॉसेस द रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल्स टू बी विजिबल. एज द क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट्स, इट मार्क्स द एंड ऑफ द पैकेटिन फेज. Diplotene is followed by diakinesis, which is also the last stage of prophase 1. During diakinesis, the chromosomes are fully condensed, the nucleus and the nuclear membrane dissolve, and the mitotic spindle begins to assemble. Prophase 1 is followed by metaphase 1. During metaphase 1 में क्या हुआ? सब कुछ डबल डुबल हुआ, मेटाफिजिक प्लेट पे आ गए, ये स्पिंडल पे जाके लग जाएगा, वही स्पिंडल फाइबर पे जाके लगेगा. द माइक्रोटिब्यूल यहाँ पर अभी भी कंटेंट को अगर मैं देखूँ, ये सेंट्रोमियर एक ही है, तो 2n इज इक्वल टू 46, पर क्रोमैटिड गिनो 23 23 23. क्रोमैटिड कितनी है? 4. अगर एक क्रोमैटिड पे अगर एक क्रोमैटिड पे 23 डीएनए है, तो चार क्रोमैटिड पे कितना होगा? 92. तो ये 92 है, यानी डीएनए कंटेंट कितना है? 92, ठीक है. From the opposite poles, attached to the chromosomes at the kinetochores and the bivalents, align along the equatorial plate with a random orientation. Either of the parental homologue takes up any site on the spindle. The metaphase 1 is followed by anaphase 1. During anaphase 1, the homologous chromosomes separate out
and move to opposite poles, with shortening of the microtubules, the sister chromatids, on the contrary, remain attached at the centromere. In this module, you have... Okay. जहाँ से हमने खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। Type of cell division called meiosis. Meiosis involves two steps: meiosis one and meiosis two. Meiosis one is the reductional division in which the chromosome number gets halved. Meiosis one is followed by meiosis two after a very short interphase called interkinesis, during which DNA replication does not occur. Unlike meiosis 1, meiosis 2 is an equational division. In this module, you will focus on meiosis 2. Each daughter cell formed after meiosis 1. So, देखो, meiosis 1 हुआ. हमने पढ़ा उसमें prophase 1 था. में सबसे पहले लैक्टोटीन हुई, फिर जाइगोटीन हुआ, फिर पैकेटीन में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर, है ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, डीएनए इधर उधर से उधर जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वराइटीज क्रिएट होती हैं. चौथा आया मेरे पास, चौथा क्या है, डिप्लोटीन. पांचवा आया डाया डायनेसिस. ठीक है, डायकिनेसिस में हमारे पास ये प्रोसीजर आ गया कि भाई अलग अलग कर, ये एक ही सेल के अंदर है सब कुछ, अभी एक ही सेल के अंदर, तो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है, और उन दो न्यूक्लियस में क्या है, ये अभी भी एक क्रोमोसोम, 2N इज इक्वल टू 46, कितने 23 क्रोमैटिड, कितने हैं, दो क्रोमैटिड हैं. जब दो क्रोमैटिड हैं तो 2C इज इक्वल टू 46 होगा, मतलब अगर 1C, अगर एक क्रोमैटिड से 23 हैं तो दो क्रोमैटिड से कितना होगा. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसका कंटेंट है आफ्टर मियोसिस वन, 2C इज इक्वल टू 46, 2N इज इक्वल टू 46. तो मेरे पास इस समय एक सेल में दो ऐसे न्यूक्लियस है जिसके पास ये पोजीशन है, अब उन्हीं को अलग अलग करना है. एक सेल है, सॉरी एक सेल है जिनमें अलग अलग न्यूक्लियस है, अब इन सेल्स को हम दो में डिवाइड करें. Meiosis II involves the separation of these sister chromatids to produce haploid cells. Therefore, meiosis II is an equational cell division. As both the daughter cells produced from meiosis I undergo meiosis II, the final result of meiosis II is four haploid daughter cells. Like meiosis I, meiosis II can also be divided into four stages. These are prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. Prophase 2 is very short. During this, prophase 2 में हमारे पास, हमने एक सेल था, उसके पास ये कंटेंट था, 2N is equal to 46, 2C is equal to 46. इसको हमने क्या किया, मियोसिस 1 करवाया, हमारे पास ये इंटरफेस के बाद का सेल, तो ये सेल है, इस सेल के पास 2N इज इक्वल टू 46, 4C इज इक्वल टू 92. अब हमने क्या कर दिया, एक ग्रुप इसमें डाल दिया है. नाउ इट हैज 2N इज इक्वल टू 46, 2C इज इक्वल टू 46, 2N इज इक्वल टू 46, 2C इज इक्वल टू 46. अब ये सेल मियोसिस 1 कर रहे हैं, दोनों सेल अपने अपने क्या कर रहे हैं, मियोसिस 1.
ये प्रोफेज टू मेटाफेज पूरे माइटोसिस की तरह जाएंगे, दो सेल बनेंगे, एक इसको दे दिया जाएगा, एक इसको, एक क्रोमेटिड में 23 है तो इसके पास गए 23। अब सेंट्रोमियर से अलग हो गया तो 2n इज, जब सेंट्रोमियर से अलग होगा तो मैं मानूंगी क्रोमोसोम रिड्यूस हुआ है, तो n इज इक्वल टू 23, n इज इक्वल टू 23, c इज इक्वल टू 23, c इज हो गया, क्रोमेटिड भी डिवाइड हो गया, क्रोमोसोम भी डिवाइड हो गया, बन गए चार, एक दो, दिस इज मियोसिस वन, मियोसिस टू, अब ये मियोसिस टू करके दिखाएगा, गायब हो गया प्रोफेज टू में, न्यूक्लियाई गायब हो गया, सेंट्रियोइड रिस्पॉन्ड विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, इन एडिशन द क्रोमोसोम्स रिकंडेंस ड्यूरिंग द प्रोफेज टू एंड बिकम कॉम्पैक्ट, सेंट्रोमियर प्रोफेज टू इज मेटाफेज प्लेट पे आएगा, ड्यूरिंग व्हिच द क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द इक्वल, क्या है इसके पास, देख ये एक सेल में है, 2n इज इक्वल टू 46, 2c इज इक्वल टू 46, दो क्रोमेटिड है ना इसके पास, अभी भी एक ही सेंट्रोमियर है, तभी मैंने इसको अभी तक हाफ नहीं किया, जब तक ये अलग नहीं करेगा मैं इसको रिड्यूस नहीं मान सकती। हाँ DNA ज़रूर रिड्यूस हो गया, अगर यहाँ ऐसे, अगर ये ऐसे होता तब भी मैं कहती कि दो ही n है, क्योंकि अभी भी इसको, बट क्रोमेटिड कितने हैं, 2, 3, 4, तब इस पे 92 होता, अब ये नहीं है, अब अकेला है, तो ये कितना हो गया, 2n इज इक्वल टू 46, 2c इज इक्वल टू 46, एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमेटिड्स, मेटाफेज 2 इज फॉलोड बाय एनाफेज 2, इन एनाफेज 2 द सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट आउट एट द सेंट्रोमियर, अब देखो अलग हो गया, अब हुआ, अब 2n से क्या हो गया n, अभी तक एक ही सेंट्रोमियर था, अभी कितने हो गए, दो सेंट्रोमियर अलग हो गए, इसका अलग इंडिविजुअल है, इसका इंडिविजुअल, अब ये हो गया रिड्यूस, अब इट इज़ n इज इक्वल टू 23, पहले ये 23 क्रोमेटिड इसने इसको दे दिए, 23 क्रोमेटिड यानी 23 DNA इसको दे दिया, 23 n इसके पास आ गया, हो गया, अब हुआ अलग अलग, एंड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स एज द माइक्रोट्यूब्यूल्स बिकम शॉर्टर, anaphase 2 is followed by telophase 2, which also marks वापिस the end of nuclear envelope वापिस आ गया, during telophase 2 the nuclei are reformed and the haploid nuclei get envelopped in membranes, in addition the chromosomes decondense and the chromatin disappears, division of the cytokinesis results in four haploid daughter cells. एक सेल में से दो बनेंगे तो दो सेल से कितने, चार? Meiosis plays a significant role in the life of sexually reproducing organisms. It results in gamete formation and helps conserve the... See, हमने क्लास में डिस्कस किया, मैं एनिमेशन इसलिए दिखाना चाहती थी ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, पढ़ा तो हमने क्लास में है, 3D आइडिया हो जाए व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी एवरी सिंगल डे, जिसको पढ़ने में हमें समझने में बड़े सालों लग जाते हैं और सेल इज डूइंग इट इन 1 hour, सो इट इज़ नॉट टफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे पता है क्रोमोसोम को समझने में, क्रोमोसोम में थोड़ा सा टफ लगता है, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि हम इसको न्यूमेरिकल हो गया तो कॉन्सेप्चुअल आपका निकल जाएगा, ठीक है, वीडियो देखो, वीडियो से कोशिश तो मैंने की है इससे पहले कि ये हट जाए, तो आप इसको पहले से ही देखें, थैंक यू।